हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट आई एम सेंडिंग यू द एक्सरसाइज एट पॉइंट वन ना वी आर डूइंग एक्सरसाइज एट पॉइंट टू एंड बट बिफोर डूइंग एट पॉइंट टू एंड एट पॉइंट समथिंग दैट टू एंड एट पॉइंट थ्री एट पॉइंट टू एंड थ्री से रिलेटेड टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं पहला है डिविजिबिलिटी टेस्ट प्रीवियस क्लासेस में भी सिक्स सेवेंथ में भी आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं उनको थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट है डिविजिबल बाय टू कोई भी नंबर टू से डिवाइड कब होता है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू व्हेन इट्स यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट होती है जो लास्ट में होता है उसके एंड पे अगर ज़ीरो टू फोर सिक्स और एट आए मतलब इन पाँचों में से कोई भी नंबर अगर लास्ट वाली डिजिट पे आ रहा है दैट मीन्स कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा टू से कौन कौन सा नंबर आना चाहिए जीरो आ जाए टू आ जाए फोर आ जाए सिक्स आ जाए या एट आ जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा बच्चों टू से नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय थ्री यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री कहने का मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल डेट इज़ टू फोर्टी थ्री ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया अब मुझे ये पता करना है बिना डिवाइड करे कि ये थ्री से डिविजिबल है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर टू प्लस फोर प्लस थ्री इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया ये जो नंबर दे रखे थे इनके बीच में प्लस का मार्क लगा के मैंने प्लस कर दिया तो यहाँ पे इनको प्लस करने में आया है नाइन क्या नाइन थ्री की टेबल में आता है यस yes, नाइन थ्री की टेबल में आता है सो so, ये डिविजिबल होगा हम लिखेंगे डिविजिबल बाय थ्री तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों थ्री से डिवाइड हो जाएगा ये होता है डिविजिबल बाय थ्री डिविजिबल बाय फोर इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है पहले हम पढ़ लेते हैं इसे अ नंबर इज डिविजिबल बाय फोर कोई भी नंबर फोर से कब डिवाइड होता है इफ़ इट्स लास्ट टू डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ फोर मतलब इसकी जो लास्ट टू डिजिट है अगर वो फोर के टेबल में आती हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर फोर से डिवाइड होगा तो यहाँ पे इसके लास्ट टू नंबर आपको देखने हैं तो इसके लास्ट टू नंबर है ट्वेंटी थ्री तो क्या ट्वेंटी थ्री फोर की टेबल में आता है क्या वो फोर की टेबल में आता है? नहीं आता, है नहीं आता तो नो ये मल्टीपल नहीं होगा अगर लास्ट की टू डिजिट फोर की टेबल में आती हैं तो वो या फोर से डिवाइड हो जाती हैं लास्ट की दो डिजिट ठीक है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा फोर से पर लास्ट की टू डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए नेक्स्ट फाइव बहुत सिंपल है डिविजिबल बाय फाइव का मतलब होता है अगर लास्ट डिजिट पर मतलब कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट पर एक्सम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले देते हैं उसके लास्ट डिजिट पे या तो ज़ीरो आए या फाइव आए जैसे कि टू फिफ्टी टू फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी फाइव अगर लास्ट में फाइव और ज़ीरो आ रहा है तो वो फाइव से डिविजिबल होगा नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिविजिबल बाय सिक्स सिक्स से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है सिक्स से कोई नंबर तब डिविजिबल होता है जब वो किस किस से डिवाइड हो टू से भी हो और थ्री से भी हो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया वन ट्वेंटी फोर तो हमें पहले इसके अंदर डिविजिबल बाय टू देखना है अब देखो लास्ट में टू फोर आ रहा है मतलब ये डिविजिबल बाय टू है यस डिविजिबल बाय थ्री भी देखना है अगर आप किससे कर रहे हैं सिक्स से तो थ्री में वन प्लस टू प्लस फोर तो आ गया सेवन अब सेवन तो थ्री के टेबल में आता है नहीं मतलब नो no हो गया तो ये नो नॉट डिविजिबल बाय सिक्स मतलब दोनों से डिविजिबल होगा तभी सिक्स से होगा वरना सिक्स से नहीं होगा अगला नाइन नाइन सेम एज इट इज थ्री की तरह है. जैसे एक नंबर ले लिया सपोज ले लिया वन ट्वेंटी नाइन अब ये नाइन से डिविजिबल है या नहीं है, आपको ये बताना है तो आप इसमें भी वही करिए जो आपने थ्री में करा था इसको प्लस कर लिया तो आ गया ट्वेल्व पर अब यहां पर नाइन के डिविजिबिलिटी में क्या देखना है यहाँ नाइन की टेबल देखनी है नाइन की टेबल में ट्वेल्व आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो आंसर आ जाएगा नो no. मतलब यहाँ प्लस करने पर जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको ऐसे प्लस कीजिए प्लस करने पर जो भी नंबर आता है उसको देखना है वो नाइन के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा तो वो नाइन से डिविजिबल होगा नेक्स्ट डिविजिबल बाय टेन कोई भी नंबर टेन से डिवाइड तब होता है जब उसके लास्ट डिजिट पे हमेशा क्या आए जीरो हमेशा जीरो आना चाहिए तभी तभी वो टेन से डिविजिबल होगा ओके okay. तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 8.2 करने से पहले इनको अच्छे से समझना है आपको इसलिए मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है ये जो आपके काम आए आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रिप्टे अब ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं ये हम एक्सरसाइज 8.3 के लिए पढ़ रहे हैं और ये बेसिक है मतलब ये सब हमारे माइंड का खेल है मतलब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है क्रिप्टे का मतलब होता है कि एक पज़ल टाइप गेम है ये जैसे कि आपने सडोकू गेम देखा होगा तो ये एक पज़ल टाइप गेम है जिसमें जो नंबर फाइंड करना है उसको अल्फ़ाबेट के तौर पे दे दिया जाता है मतलब यहाँ पर ए और बी लिख दिया अब यहाँ पे कोई नंबर आ रहे हैं तो मतलब ये पज़ल है आपको वो नंबर ढूंढने हैं कि वो नंबर कौन से हैं सपोज यहाँ पे वन लिख रहा है और यहाँ एट अब आपको ये सोचना है कि एक ही जगह में ऐसा क्या नंबर रखूँ जिससे कि यहाँ वन आ जाए नीचे सोचो, प्लस कर रहे हो आप एडिशन का क्वेश्चन है एक ही जगह ऐसा नंबर रखना है तो आप रेंडम देखिए एक ही जगह वन रख के देखिए टू रख के देखिए जैसे मैंने एक ही जगह यहाँ पे रखा थ्री तो मैं जब एक ही जगह थ्री रखूंगा तो एट और थ्री कितना हो जाएगा अब जैसे यहां थ्री रखा तो यहां भी क्या हो जाएगा जहां जहां ए है वहां थ्री हो जाएगा तो थ्री और एट होता है थ्री प्लस एट होता है इलेवन तो एलेवन का वन हो गया और कैरी क्या हो गया बच्चों वन ठीक है अब यहाँ तो ए की जगह थ्री आ गया अब यहाँ बी की जगह ऐसा नंबर सोचना है जिससे कि यहाँ सिक्स आ जाए तो मैं बी की जगह सोचूंगा मैंने रखा सपोज नाइन क्या रखा नाइन नंबर आप ए मतलब ए और बी में नंबर आप ज़ीरो से लेके नाइन तक कोई सा भी नंबर पुट कर कर के देख सकते हो ठीक है जीरो भी रख सकते हो वन भी रख सकते हो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आपको अपना नंबर आना चाहिए बस तो यहाँ पे मैंने नाइन रख दिया तो अब बी की जगह नाइन रखोगे तो नाइन और सिक्स कितना हो जाएगा सिक्स प्लस नाइन होता है फिफ्टीन फिफ्टीन में ऊपर का कैरी ऐड कर दिया वन तो ये हो गया सिक्सटीन तो सिक्सटीन का सिक्स यहाँ आ गया ये देखो सिक्स आ गया कैरी यहाँ पर हो गया वन बी ए की जगह तो थ्री ऐसे है थ्री प्लस वन फोर और फोर और फाइव यहाँ बी की जगह भी क्या आ गया नाइन तो ये देखो बी की जगह दोनों जगह नाइन आ गया ए की दोनों जगह थ्री आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा ये ए थ्री है और बी नाइन है चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ मुझे बी की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे मेरे सारे जगह यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी तो मैं बी की जगह पहले वन रख के देखता हूँ आपके लिए तो देखो वन ट्वेंटी वन अब बी की जगह वन रख दिया तो चलो वन वन का वन हो गया वन टू ज़ा टू हो रहा है पर यहाँ तो सिक्स आ रहा है इसका मतलब ये गलत है वन नहीं होगा अब टू रख के देख लो वन टू वन और बी की जगह मैंने अब अगली सिचुएशन में बी की जगह मैंने टू रख लिया तो टू रख लो तो टू वन जो तो टू चलो यहाँ पे भी बी है तो कहने का मतलब यहाँ बी टू हो जाएगा और बीच में सिक्स आ जाएगा अब यहाँ टू वन ज टू पर टू टू ज़ा तो फोर होता है पर यहाँ तो सिक्स आ रहा है मतलब ये भी गलत अब बी की जगह आप थ्री रख के देखो तो वन टू वन और यहाँ थ्री रख के देखो तो थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स और थ्री वन ज़ा थ्री देखो जहाँ जहाँ बी था वहाँ थ्री रखा तो यहाँ पे भी पी की जगह थ्री हो गया ये भी थ्री हो गया ये भी थ्री हो, हो गया आ रहे हैं तीनों जगह थ्री यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है बीच में सिक्स तो आ रहा है तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू थ्री तो एट पॉइंट थ्री आपको इस तरीके से करनी है 8.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करना है उसी तरीके से 8.2 के अंदर आपको आगे मैं बता दूंगा अब इसके बाद जो वीडियो में आ, आएगा उसके अंदर आपको कंप्लीट 8.2 पॉइंट टू और मिलेगी उसको आपको सॉल्व करना है ओके okay, सो so ये इंट्रोडक्शन वीडियो इसको देखें अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो को ओके थैंक यू हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज एट पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इफ़ नंबर फाइव एंड सिक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब एक नंबर है फाइव एन सिक्स ये नंबर दिया हुआ है ये मल्टीपल ऑफ थ्री है मतलब ये थ्री से डिवाइड हो जाता है या थ्री के टेबल में आता है या थ्री से डिविजिबल है वेयर एन इज़ अ डिजिट जहाँ पर एन एक डिजिट है मतलब एन की जगह कोई नंबर आ रहा है तो हमें बताना है एन की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं क्या क्या वैल्यूज हम एन की रख सकते हैं एन की जगह ठीक है तो हमें ये बताना है तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री निकालनी पड़ेगी जो नंबर हमें दिया हुआ है तो इस नंबर का अभी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा था थ्री की डिविजिबिलिटी निकालते हैं इन सब नंबर्स को ऐड करके तो सिक्स और फाइव हो जाएगा इलेवन प्लस एन अब देखिए ये हमने ऐड किया ये आया इलेवन प्लस एन तो अब हमें ये देखना है कि थ्री की टेबल में इसके जस्ट पास वाले नंबर कौन कौन से हैं जो हम इसके इक्वल्स में रख सकते हैं मतलब थ्री के टेबल में थ्री वन जा थ्री थ्री टू सिक्स थ्री थ्री जा, जा, जा नाइन छोटा है इलेवन से हमें इलेवन से बड़े नंबर लेने तो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व इससे बड़ा नंबर है तो हम ये कर सकते हैं थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व तो हम इसके आगे इक्वल्स टू ट्वेल्व रख सकते हैं अगर ट्वेल्व रखेंगे तो एन इज़ इक्वल्स टू प्लस का इलेवन इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ट्वेल्व माइनस इलेवन तो एन की वैल्यू आ जाएगी वन बड़ा नंबर ही लेना है इलेवन से तो हम एन की जगह इक्वल्स में हम फिफ्टीन भी रख सकते हैं ट्वेल्व के बाद जस्ट फिफ्टीन आता है थ्री की टेबल में थ्री फोर जो ट्वेल्व थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो एन इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा फिफ्टीन प्लस का इलेवन इधर जाएगा माइनस का तो यह आ जाएगा फोर एक नंबर और रख सकते हैं वो है एटीन तीन नंबर हद से हद वैल्यूज पूछी अगर वैल्यू पूछी होती तो हम एक ही निकालते वैल्यूज पूछी हुई तो हम दो तीन निकाल रहे हैं तो वही एटीन में से इलेवन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सेवन तो काफ़ी है तीन वैल्यूज तो ये तीन वैल्यूज आप निकाल सकते हो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड इफ दिस इज डिविजिबल बाय नाइन वेयर एन इज अ डिजिट सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पर थ्री था यहाँ नाइन आ गया और थ्री और नाइन का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम होता है तो नंबर हमने ले लिया वो है फाइव नाइन सेवन एन एट आपको ये याद रखना है इस एन की जगह कोई नंबर आपको ढूंढना है ठीक है फाइंड अब यहाँ तो वैल्यूज दिया हुआ था यहाँ वैल्यू मतलब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है बस तो आप यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी इसलिए मैंने पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाया आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे फोर नाइन नाइन के लिए नाइन के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट तो वो सेम एज इट इज थ्री होता है तो ये जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं इन सबको हम ऐड कर देते हैं एन प्लस एट तो इन सबको आप ऐड कर देंगे तो फोर्टीन ट्वेंटी वन और एट तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी नाइन प्लस एन आप इन्होंने इन सबको ऐड कर दिया नंबर नंबर को ठीक है तो ये हो गया ट्वेंटी नाइन प्लस एन अब आपको नाइन की टेबल में ट्वेंटी नाइन से बड़ा नंबर देखना है तो नाइन वन जा नाइन नाइन टू जी एटीन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स ट्वेंटी नाइन से बड़ा है और जस्ट पास है जस्ट क्लोज़र नंबर देखना है तो थर्टी सिक्स तो एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी प्लस का ट्वेंटी नाइन आप उधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू सेवन ओके सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड तो क्वेश्चन दोनों आप समझ लीजिए थ्री था वैल्यूज पूछी हुई थी इसलिए एक से ज़्यादा निकाली यहाँ वैल्यू थी पहले हमने टेस्ट किया डिविजिबिलिटी टेस्ट ये आया इन सब नंबर्स का प्लस प्लस एन रख दिया हमें इक्वल्स में इससे जस्ट बड़ा नंबर रखना है तो नाइन की टेबल में और डिविजिबिलिटी ऑफ नाइन कर रहे हैं इसलिए नाइन की टेबल में ढूंढना है या थ्री कर रहे थे इसलिए थ्री की टेबल में ढूंढा ओके सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ एट वन फोर वाई इज डिविजिबल बाई सिक्स अगर ये नंबर डिविजिबल हो सिक्स के जहाँ पे वाई एक डिजिट है तो फाइंड वैल्यूज ऑफ वाई तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है सिक्स के डिविजिबल बाय सिक्स तो आप एक चीज़ अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है सिक्स के तो उसकी दो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है इस मस्ट बी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इस्ट मस्ट बी डिवाइडेड बाय थ्री और सेकंड कंडीशन होती है मस्ट डिवाइडेड बाय टू मतलब उसकी कंडीशन ये है कोई भी नंबर सिक्स से डिवाइड तब होगा जब या तो वो टू से डिवाइड हो और वो थ्री थ्री से मतलब टू थ्री दोनों से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ही वो सिक्स से डिवाइड होगा अदरवाइज सिक्स में डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करते हैं वही प्रोसेस देखते हैं अब यहां पर आपको वाई की जगह एक ऐसा नंबर रखना है जो कि अगर आप यहाँ रखें तो वो सिक्स से डिविजिबल होता है तो वैल्यूज दिया हुआ है मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज आपको ढूंढनी है सिंपल सी बात है ठीक है तो यहां पर देखिए एट वन फोर तो इसका भी एट वन फोर वाई दिया हुआ है तो इन सबको प्लस कर लो नंबर्स को यहाँ पर भी प्लस ही करना है हमें क्योंकि यहाँ पर थ्री का डिविजिबल भी दे रखा है क्योंकि ये थ्री से भी डिवाइड करना है फोर प्लस वाई तो ये हो जाएगा थर्टीन प्लस वाई अब एक बात आपको हमेशा मैं समझा दूं अगर कभी भी सिक्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है सो यू हैव टू पुट ओनली टू वैल्यूज़ आपको हमेशा दो वैल्यू रखनी है पुट टू एंड एट मतलब इस जगह या तो आप टू रखेंगे या इस जगह आप एट रखेंगे ओके मतलब या तो आप टू रखेंगे या एट रखें बस इसके अलावा कोई भी नंबर आपको फुट नहीं करना है अगर कभी भी आता है तो आपको या तो टू रखना है या एट रखना है मतलब थर्टीन प्लस वाई दे रखा है तो या तो टू रखिए या थर्टीन प्लस एट क्योंकि ये हो जाएगा फिफ्टीन और ये हो जाएगा ट्वेंटी वन ये दोनों थ्री की टेबल में आते हैं ओके सो आपको या तो टू रखना है या एट तो आपका आंसर हमेशा याद रखना है अगर भी कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको या तो टू आंसर आएगा या आपका एट आंसर आएगा सेम एज इट इज इसमें भी यही है देखो डिविजिबल बाय सिक्स था यहाँ पे भी डिविजिबल बाय सिक्स है यहाँ पे वाई ढूंढना था यहाँ ए ढूंढना है तो इसका आंसर बिना कुछ सोचे समझे एक ही जगह आपको दो ही वैल्यू पुट करनी है या तो आपको टू पुट करना है या आपको एट पुट करना है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी यहीं कंप्लीट हो गया तो बस इतना सा याद रखना है कि आपको ए ये यह यहाँ पे कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है डिविजिबल बाय सिक्स है और वाई एक डिजिट है वाई निकालना है या ए निकालना है जो भी आता है आपका आंसर हमेशा क्या आएगा या तो वाई की जगह टू आएगा या वाई की जगह एट आएगा या ए की जगह टू आएगा या ए की जगह एट आएगा ये कंडीशन है फॉर डिविजिबल बाय सिक्स किसके लिए बच्चों डिविजिबल बाय सिक्स के लिए सो ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर है ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अच्छे से समझिए इफ थर्टी सिक्स एक्स टू इज डिविजिबल बाय फोर तो हम एक बार डिविजिबल बाय फोर रिवाइज कर लेते हैं डिविजिबल बाय फोर वो होता है कि किसी भी नंबर की जैसे ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर की अगर ये लास्ट टू डिजिट फोर से डिवाइड हैं तो ही ये नंबर फोर से डिवाइड होगा अदरवाइज ये फोर से डिवाइड नहीं होगा ये हमारा डिविजिबिलिटी बाय फोर कहता है तो हम हमारा नंबर लिख लेते हैं हमारा नंबर है थर्टी सिक्स एक्स टू तो अब हमें ये कहना है ये नंबर डिविजिबल बाय फोर है मतलब पहले से दिया हुआ है तो हमें एक्स फाइंड करना है तो हम यहाँ पर क्या करें इसके दो डिजिट ले लेते हैं तो वो दो डिजिट हैं एक्स और टू अब यहाँ पर अब एक्स की जगह ऐसा नंबर रख के देखिए ठीक है ठीके? आप एक्स की जगह ऐसा नंबर रख के देखिए जो फोर से डिवाइड हो जाए जैसे सपोज अगर जीरो रखूंगा एक्स की जगह जैसे मैं रैंडम रख लेता हूँ पहले आप ज़ीरो रख दीजिए तो यहाँ पे जीरो और टू हो जाएगा जीरो और टू फोर से डिवाइड नहीं होते ये कैंसिल नहीं होगा एक्स की जगह आप वन रख के देखिए अगर यहाँ पे वन रख दो तो ये ट्वेल्व हो जाएगा ये फोर से डिवाइड होता है मतलब पहली वैल्यू तो आपको मिल गई कि एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा वन मतलब अगर मैं एक्स की जगह वन रखूं तो ये हो जाएगा ट्वेल्व लास्ट में देखिए यहाँ पे वन रख दूँ तो ये ट्वेल्व हो जाएगा और ट्वेल्व फोर से डिवाइड होता है इसलिए ये आंसर करेक्ट है एक्स की वैल्यू वन अगर मैं यहाँ टू रखूँगा तो ट्वेंटी टू होगा और फोर की टेबल में ट्वेंटी टू नहीं आता है ठीक है थ्री रख के देख लो थ्री रखा ठीक है तो अगर मैं थ्री रखूँगा तो थर्टी टू हो जाएगा फोर एट जर्टी टू होता है तो थ्री भी सही है अगर इसी तरीके से एक्स की अगर मैं फाइव रखूं सेवन रखूं और नाइन रखूं या आप एक चीज़ समझ लें अच्छे से कि हमेशा अगर आप ऑड रखेंगे इसमें तो आपको आंसर मिल जाएगा मतलब यहाँ जो एक्स दिया हुआ है डिविजिबिलिटी ऑफ फोर में हम लास्ट के दो नंबर देखते हैं उसमें जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें आप रैंडम वैल्यू रख के देख लीजिए ठीक है तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स की ए वन थ्री फाइव सेवन नाइन अगर आप इनमें से कोई भी नंबर रखेंगे तो वो सारे नंबर फोर से डिवाइड हो जाएंगे जैसे मैं आपको रख के बता देता हूँ थ्री सिक्स वन एक्स की वैल्यू पहले वन रखी तो एक्स की जगह ये वन रख दिया ये एक्स की जगह थ्री रख दिया दूसरी में एक्स की जगह फाइव रख दिया ठीक है एक्स की जगह सेवन रख दिया और एक्स की जगह नाइन रख दिया तो अगर इस लास्ट के दो नंबर का आपको डिवाइड करके देख लेंगे तो आपको पता लगेगा ये पूरे नंबर फोर से डिवाइड हैं इसलिए इसका आंसर आएगा ये ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स में सेम एज इट इज़ है इसमें भी यही करना है वाई की जगह आप अब वैल्यूज़ रख के देखनी है इसमें भी तो हम नंबर ले लेते हैं ज़रूरी नहीं हमेशा वन थ्री फाइव सेवन नाइन ही आए इसमें हम कुछ अलग देखेंगे एट वन अब लास्ट के दो नंबर देखिए क्योंकि डिविजिबल बाय फोर है क्या है डिविजिबल बाय फोर एक तो डिविजिलिटी टेस्ट अच्छे से आपको याद करना है तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए डिविजिबल बाय फोर एट वाई दिया हुआ है तो एट वाई अब वाई की जगह ऐसा नंबर रखना है जिससे कि ये डिवाइडेड बाय फोर हो जाए तो वाई की जगह अगर आप वन रखोगे तो ये हो जाएगा वाई की जगह वन रखोगे मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ तो ये हो गया एटी वन ये फोर से डिवाइड नहीं होता है टू रख के देखा नहीं होगा वाई की जगह टू रखोगे तो भी नहीं होगा वाई की जगह थ्री रखोगे तो भी नहीं होगा वाई की जगह आप रखो फोर अगर आप फोर रखोगे तो ये हो जाएगा एटी फोर एट से डिवाइड हो गया तो आपकी पहली वैल्यू आपको मिल गई वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका फोर और दूसरी वैल्यू है होगी y इज़ इक्वल्स टू एट ऐसी सिचुएशन में y की सिर्फ दो ही वैल्यू निकल सकती हैं तो यहाँ पर अगर आप y की जगह या तो फोर रखोगे या एट रखोगे तो ही ये किससे डिवाइड होगा बच्चों फोर से अदरवाइज ये फोर से डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेवन इसके तीन चार पार्ट हैं तो हम पहले पार्ट पे आते हैं बिना किसी डिवीजन के हमें बताना है कि ये नंबर इससे डिवाइड है या नहीं है तो यहाँ पूरा का पूरा खेल डिविजिबिलिटी टेस्ट का है बिना डिविजिबिलिटी टेस्ट के हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता तो इसमें देखिए इसमें आपको तो थ्री से भी बताना है और नाइन से भी बताना है तो ये जो नंबर है इस नंबर का डिविजिबल बाय थ्री से करके देख लीजिए तो थ्री से करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एट नाइन सिक्स टू तो इसको ऐड कर लीजिए फोर एट नाइन सिक्स टू हमें यहाँ पे बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन बिना डिवाइड करे फाइंड द रिमाइंडर मतलब आपको इसको थ्री से और इसको नाइन से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बच रहा है ये आपको बताना है चलो ठीक है अब हम क्वेश्चन पे आते हैं हमें रिमाइंडर बताना है तो सबसे पहले हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया तो ये आ गया ट्वेंटी नाइन अब एक बात बताओ ये आप कर रहे हो डिजिबलटाई थ्री अब थ्री से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो सोचो ट्वेंटी नाइन को थ्री से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा थ्री टेन जा थर्टी होता है थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन तो थर्टी तो हम लेंगे नहीं क्योंकि बड़ा है ट्वेंटी सेवन इसके जस्ट पास में ट्वेंटी नाइन में से ट्वेंटी सेवन माइनस करा तो आपका रिमाइंडर बचेगा इस सिचुएशन में रिमाइंडर इज इक्वल्स टू बचेगा टू अगला डिविजिबल बाय नाइन नाइन से करेंगे नाइन से भी यही होगा फोर एट नाइन सिक्स टू इन सबको प्लस करने पे आपका आया ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन आया ठीक है अब नाइन की अब डिविज़िबल बाय थ्री में थ्री की टेबल देखी थी अब नाइन की टेबल देखो नाइन वन जा नाइन नाइन टू जा एटीन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और ट्वेंटी नाइन से बड़ा है उसे छोटा लेंगे नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर इसमें भी टू कितना बचेगा टू ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं ये नंबर है इसे फाइव से डिवाइड करना है तो फाइव से कोई नंबर कब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट नंबर पर ज़ीरो या फाइव आ रहा हो क्या आ रहा हो ज़ीरो और फाइव तो टू से टू से भी डिवाइड नहीं होगा ओके ये वाला नंबर तो अब आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो कितना रिमाइंडर बचेगा यह आपको बताना है तो इस सिचुएशन में आपको इसको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है तो आप देखिए इसमें तो डिविजिबल सबसे पहले डिविजिबल बाय फाइव करते हैं अब डिविजिबल बाय फाइव में तो देखो सिंपल सी बात बच्चों ये है डिविजिबल बाय फाइव में तो आपको लास्ट नंबर देखना है जीरो और फाइव नहीं आ रहा तो आपको रिमाइंडर सीधा का सीधा लिख देना है जो भी उसका लास्ट नंबर है वो डिविजिबल बाय फाइव में रिमाइंडर लिख देंगे और अगला आ जाएगा डिविजिबल बाय टू तो कोई नंबर टू से डिवाइड कब होता है जब उसके लास्ट डिजिट पे जीरो टू फोर सिक्स और एट आ रहा हो इससे छोटा नंबर देखना है टू फोर सिक्स एट तो सब बड़े तो इससे छोटा है टू थ्री में से टू को माइनस कर दो तो कितना बचेगा इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका थ्री में से टू माइनस करा तो वन मतलब देखो जो भी लास्ट नंबर दे रखा है उसमें जीरो टू फोर सिक्स एट तो हमें ये देखना है सपोज यहाँ पे फाइव होता तो मैं इस फाइव में से किसको माइनस करता फोर को अगर एट होता सॉरी नाइन होता तो नाइन तो में से किसको माइनस करता एट को तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा इस सिचुएशन में वन नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है अब इसमें आपको डिविजिबल बाय थ्री और टू देखना है तो सबसे पहले फोर थ्री देखना है तो डिविजिबल बाय थ्री देखता हूँ सबसे पहले तो डिविजिबल बाय थ्री तो थ्री के लिए तो सेवन प्लस एट प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस टू इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया ट्वेंटी एट ओके ट्वेंटी एट अब थ्री की टेबल बोलिए थ्री की टेबल का सबसे पास वाला नंबर इसका क्या है सबसे छोटा क्लोज़र और छोटा तो सबसे क्लोज़र इसका है ट्वेंटी सेवन जो इससे छोटा भी और सबसे पास में है क्योंकि थ्री टेनजा तो थर्टी हो जाते हैं थ्री नाइनजा ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी एट तो में से ट्वेंटी सेवन को माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमारा बचेगा इसका रिमाइंडर बचेगा वन और अगला देखना है आपको डिवाइड बाय फोर फोर के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करता है कि जो भी नंबर दे रखा है उसके लास्ट दो नंबर देखना है तो इसके लास्ट के दो नंबर देखो ये फोर से डिवाइड है या नहीं या फोर की टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये आपको देखना है ठीक है अब देखिए ये आप कैसे पता करेंगे सिक्सटी टू दे रखा है तो फोर की टेबल आप अपने मन में काउंट किए फोर्टी से आगे फोर टेन 40 फोर्टी होता है तो आपको उसके आगे चलना है फोर्टी में फोर ऐड करो फोर्टी फोर फोर्टी एट फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर बड़ा हो गया सिक्सटी टू से तो हम क्या लेंगे 60. तो ये इसमें से हम सिक्सटी को माइनस कर देंगे आपको फोर की टेबल आगे बढ़ानी है ये सिक्सटी टू है आपको डिवाइड नहीं करना है फोर की टेबल को मन में आगे बढ़ाओ तो ये सिक्सटी है तो ये हो जाएगा रिमाइंडर इसका सिक्सटी वैसे सिक्सटी टू में से सिक्सटी गया तो रिमाइंडर टू अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं थोड़ा सा इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है ई e, डी और ई e में वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री इसी के अंदर मैं आपको एट पॉइंट थ्री भी समझा रहा हूँ पर उससे पहले हम इसको पढ़ेंगे क्रिप्टेरिदम्स वैसे तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन भेज दिया था पर यहाँ भी मैं हम इसे पढ़ लेते हैं इट इज़ अ मैथमेटिकल पज़ल ये एक मैथमेटिकल पज़ल है इन विच सिंबल और इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज टू रिप्रेजेंट सर्टेन डिजिट मतलब ये ए बी इन अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है तो उससे डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब ए और बी की जगह कोई ना कोई नंबर है वी हैव हमें वो फाइंड करना है तो अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं करना है क्योंकि वो सुडुकू है पजल है वो हम एग्जाम में नहीं कर सकते तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे बहुत अच्छे से तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका आंसर आ रहा है सिक्स 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 मतलब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू रखूंगा उसका आंसर ये आना चाहिए तो इसके लिए मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ ठीक है तो एक ही जगह मुझे एक ऐसा नंबर रखना है अब आप खुद सोचिए अपने माइंड में कि एक ही जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि सिक्स आ जाए अब सपोज मैंने एक ही जगह वन रखा अब सब माइंड का करना है वन रखा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा नहीं होगा तो मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ही जगह मैं यहाँ पे देखो एक ही जगह रखता हूँ फोर तो मैं जहाँ जहाँ ए है वहाँ फोर कर देता हूँ ठीक है एक ही जगह मैंने फोर रख दिया तो ये हो जाएगा फोर B four one B two और ये हो गया six 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 अब देखो फोर और टू प्लस करने पर सिक्स मेरी पहली कंडीशन सही हो गई अब मुझे बी की जगह कोई वैल्यू ढूंढनी है और बी की जगह मुझे एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि मैं यहाँ पर सिक्स लिया हूँ मतलब दो बी ये भी बी है ये भी बी है मतलब दोनों को ऐड करने पर यहाँ सिक्स आ जाए तो दोनों सेम नंबर हैं अगर वन प्लस वन करूँगा तो टू होता है थ्री प्लस थ्री सिक्स हो सकता है पर थ्री और थ्री रखूँगा बी की जगह सपोज मैंने ये नंबर है समझिए यहाँ पे फोर बी फोर और वन बी टू अगर मैं बी की जगह थ्री रखूँगा तो थ्री और थ्री तो ये सिक्स हो गया ये भी सिक्स हो गया पर फोर प्लस वन कितना रह जाएगा फाइव पर मेरा तो यहाँ सिक्स है मतलब मुझे कोई ऐसा नंबर रखना है बी की जगह जिससे यहां पे कैरी भी आ जाए वन तो बी की जगह मैं यहां पर रखूंगा अगली कंडीशन में बी रखूंगा मैं एट मैंने एक की जगह फोर रखा तो ये दोनों फोर का फोर रख दिया अब बी की जगह मुझे एट रखना है तो देखिए यहां पर फोर एट फोर वन एट टू अब इन सबको ऐड करिए फोर और टू सिक्स एट और एट का सिक्सटीन का सिक्स कैरी किया वन फोर प्लस वन प्लस फाइव फोर प्लस वन फाइव फाइव प्लस वन सिक्स तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू फोर और बी इज इक्वल्स टू एट तो ये आपका फर्स्ट आंसर है एट पॉइंट थ्री का नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका बी अब आपको ए की जगह कोई वैल्यू रखनी है बी की जगह कोई वैल्यू रखनी है तो सबसे पहले हम बी की बात करते हैं चलो एक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ही जगह बी सबसे सब पहले आपको बी सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपको यहाँ पर वैल्यू सोचनी है जिससे कि आप बी बना सको तो बी की जगह मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर मैंने बी की जगह रख दिया वन रख के देखो तो यहाँ सिक्स हो जाएगा सिक्स और टू एट नहीं होगा टू रख के देखो तो फाइव और टू सेवन सेवन और टू नाइन नहीं होगा बी की जगह आप रख के देखिए कोई ऐसा नंबर सोचिए बी की जगह जिससे कि आप इजीली इसको फाइंड कर सकें तो बी की जगह आप रख के देखिए नाइन तो चलो नाइन रख देते हैं बी की जगह तो ये हो जाएगा थ्री ए अपनी जगह फाइव अपनी जगह सिक्स टू और बी की जगह आपको नाइन रखना है ये नाइन तो ये अब बी की जगह यहाँ भी नाइन आ जाएगा यहाँ सेवन हो जाएगा और यहाँ ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा अब यहाँ सिंपल सी बात है यहाँ देखो नाइन और फाइव फोर्टीन का फोर कितना आ जाएगा फोटीन का फोर मतलब ए की जगह आ जाएगा आपका फोर अपने आप कैरी किया वन क्योंकि आपने इन दोनों को प्लस करा तो फोर्टीन का फोर आया तो आपको ए की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई जो कि हो जाएगी फोर अब आप यहाँ पर सब जगह रख दीजिए और अपना कैलकुलेशन देख लीजिए थ्री ए की जगह फोर फाइव सिक्स टू नाइन तो यहाँ पर देखिए नाइन और फाइव फोटीन का फोर कैरी वन थ्री फोर और प्लस वन फाइव और टू सेवन और नाइन ये देखिए आपका नंबर आ गया नाइन सेवेंटी फोर तो आपके आंसर आ जाएगा ए इज़ एक टू फोर एंड बी इज़ एकवल्स टू नाइन ये आपका आंसर हो गया ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको यही करना है वन एट बी और बी अब बी की जगह ऐसा नंबर सोचिए कि यहाँ पर फाइव आ जाए सोचिए बी की जगह एक ऐसा नंबर आपको सोचना है जिससे कि यहाँ पर फाइव आ जाए ठीक है तो देखिए सिंपल सी बात है एट में ऐसा क्या प्लस करूँ कि यहाँ फाइव आ जाए तो सिंप, सिंपल है मैं वन रखूंगा तो नाइन आएगा टू रखूंगा एट और टू टेन हो जाएगा नहीं होगा थ्री से इलेवन, फोर से ट्वेल्व एक फाइव रखूँगा तो एट और फाइव थर्टीन का यहाँ थ्री आ जाएगा नहीं होगा सिक्स रखूँगा तो फोर सेवन तो मुझे बी की जगह वैल्यू रखनी है सेवन तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ सब जगह सेवन कर दीजिए ए एट एवन एट और सेवन 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 तो ये हो जाएगा ए अपनी जगह यहाँ सेवन और यहाँ फाइव अब सब कैलकुलेशन पर है एट और सेवन फिफ्टीन का फ़ाइव कैरी किया वन अब यहां पर सेवन आ रहा है तो एक ही जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमें नीचे सेवन मिल जाए तो कैरी कर सबसे पहले तो कैरी जोड़िए तो देखिए सेवन और वन एट हो गया अब ऐसा नंबर सोचिए एट में ऐसा क्या ऐड करूं कि यहां सेवन आ जाए मैं यहां रखूंगा एक ही जगह नाइन अब ये आपको सोचना है वैल्यू सिर्फ एक की जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये ज़ीरो से नाइन तक की कोई भी वैल्यू आप यहाँ रख के देख सकते हो तो आपको करना पड़ेगा ये सब माइंड का खेल है या हमारे माइंड का गेम है एक तरीके से पजल गेम इसको आपको करना है तो यहाँ पर एक ही जगह नाइन रख दीजिए तो रखिए ये नाइन हो गया मैंने रख दिया नाइन तो ये सेवन 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 जहाँ ए है वहाँ नाइन रख के देख लीजिए तो क्या अब आपकी कैलकुलेशन सारी सही हैं क्योंकि यहाँ कैरी वन था तो हमने वन लगा दिया अब आप सॉल्व करके देख लीजिए एट और सेवन हो गया फिफ्टीन का फाइव कैरी किया वन नाइन और वन टेन और सेवन सेवनटीन का सेवन कैरी किया वन सेवन एट नाइन आ गया तो आपका ए हो गया नाइन और आपका बी हो गया सेवन क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं डी है अब यहां पर वही प्लस करना है चलो डी वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एडिशन का एक क्वेश्चन आप अपने मन से सोचिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ज़ीरो से लेकर नाइन तक की वैल्यूज़ आप रख के देखिए अपने माइंड से सोच के देखिए ई e वाला अब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नंबर रखना है ए की वैल्यू यहाँ भी सेम होनी चाहिए यहाँ भी सेम होनी चाहिए अब आप सोचिए कि क्या वैल्यू रख सकते हैं आप ए की ठीक है दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए एक ही तो रखिए क्या रख सकते हैं अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन वैल्यूज़ रख के देखनी पड़ेगी आपको ठीक है क्योंकि आपको सेम नंबर फाइंड करना है तो अगर आप दोनों जगह वन रखेंगे तो वन आ जाएगा तो वन फाइव ज़ा फाइव पर आपको नीचे दो नंबर नहीं मिल पाएंगे उसी तरीके से आपको टू रख के देख लीजिए टू टू ज़ा फोर सेम नंबर नहीं आएगा नीचे टू थ्री ज़ा सिक्स सेम नंबर नहीं आएगा तो हम यहाँ पर एक ही जगह फाइव रख के देखते हैं क्या रखते हैं एक ही जगह फाइव या सिक्स रख लेते हैं फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव पहले फाइव रख के देखते हैं एक ही जगह तो एक ही जगह आप फाइव रख के देखिए फाइव रखा तो यहाँ मैं साइड में कर देता हूँ तो फाइव एक ही जगह फाइव रखा तो यहाँ भी फाइव हो जाएगा यहाँ भी फाइव आ जाएगा और यहाँ भी फाइव आ जाएगा फ़ाइव फाइव ज़र ट्वेंटी फाइव का फाइव कैरी किया टू फाइव फाइव ज़र ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सेवन पर ये सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दो बी दे रखे हैं मतलब जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी मतलब दोनों नंबर यहाँ पे सेम आने चाहिए क्या आने चाहिए सेम तो अब एक ही जगह अगला नंबर एक ही जगह सिक्स रख के देखो तो रखो फाइव सिक्स सिक्स ओके तो यहाँ पे भी सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स का सिक्स कैरी किया थ्री सिक्स फाइव ज़ा थर्टी और थ्री थर्टी थ्री ये देखो बी बी ए दे रखा था तो बी और बी दोनों बी सेम है तो बी की वैल्यू यहाँ थ्री हो जाएगी और ए की वैल्यू यहाँ पर सिक्स हो जाएगी नेक्स्ट एफ सेवनटी वन सेवनटी ए सॉरी सेवन ए इंटू थ्री बी बी ए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए और बी की जगह आपको वैल्यू रख के देखनी है तो ए की जगह ऐसी वैल्यू रख के देखिए जो यहाँ पे भी वही नंबर आ जाए सोचिए ऐसा क्या नंबर हो सकता है जिसको आप थ्री से मल्टीप्लाई अगर करें तो आपको सेम नंबर मिल जाए वो का वही जैसे मैं अगर वन रख के देखूँ तो थ्री वन ज़ा थ्री पर यहाँ तो वन रख दिया एक ही जगह पर यहाँ थ्री आ गया नहीं होगा यहाँ एक ही जगह अगर मैं टू रखूँ तो थ्री टू ज़ा सिक्स होता है सेम नंबर तो यहाँ नहीं आएगा अब मैं एक ही जगह यहाँ पर रखूँगा फाइव रखूँ तो ये रखा सेवन एक ही जगह फाइव रखा इसे थ्री से मल्टीप्लाई करा अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए यहाँ ए दे रखा है मतलब यहाँ फाइव आना चाहिए थ्री फाइव सा कितना होता है फिफ्टीन आ गया फाइव ये देखिए सेम यहाँ पे भी ए की वैल्यू थ्री फाइव यहाँ भी ए आ गया फाइव और यहाँ पे कैरी कर दिया वन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन और कितना हो गया टू ट्वेंटी टू यहाँ पे बी बी दे रखा था तो दोनों बी टू आ गए और ए फाइव आ गया तो ए की वैल्यू आ गई फाइव और बी की वैल्यू आ गई टू नेक्स्ट है एफ के बाद जी तो जी वाला क्वेश्चन दे रखा है देखिए ए बी इंटू नाइन वही क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाली बात है ए बी इंटू नाइन तो बी की जगह एक ऐसा नंबर रखना है कि यहाँ भी बी आ जाए और यहाँ पे भी मतलब सेम नंबर होना चाहिए तो ऐसा क्या नंबर सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या नंबर आप रख सकते हैं ठीक है थीके? जी में बी की जगह आप क्या रख सकते हैं कि आपको सेम नंबर मिल जाए जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ बी की जगह अगर मैं फाइव रखूंगा ठीक है तो रख दीजिए ए बी की जगह फाइव इन टू नाइन अब मेरे की बात सुनिए यहाँ पे जो भी नंबर आप रखोगे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है मतलब सेम नंबर आना चाहिए तो नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव का फाइव देखिए यहाँ बी था तो यहाँ भी फाइव आ गया और यहाँ भी बी की जगह फाइव आ गया ओके फोर्टी फाइव का फाइव कैरी किया फोर अब यहाँ ए की जगह ऐसा नंबर रखना है कि जो नंबर आप यहाँ रखें वही ये क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाए तो एक ही जगह क्या रखेंगे आप रख के देखिए नाइन टू जा एटीन सिक्स और सिक्स भी आना चाहिए तो नाइन के टेबल में सिक्स वाला नंबर कौन सा है सोचिए नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी नाइन सेवन ज़ा सिक्सटी थ्री तो यहाँ पर एक ही जगह में एनी हाउ मुझे सेवन ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिक्स आ रहा है आगे तो एक ही जगह सेवन रखो तो सेवन फाइव इन नाइन और यहाँ नीचे वाले एक ही जगह भी सेवन रख दो मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हम सही हैं नाइन फाइव फोर्टी फाइव का फाइव कैरी किया फोर नाइन सेवन सिक्सटी थ्री और फोर सिक्सटी सेवन ये देखो सेवन आ गया तो ए की वैल्यू आपकी हो गई सेवन और बी की वैल्यू आपकी हो गई फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब ये मैं आपको दे रहा हूँ दिमाग लगाइए दोनों क्वेश्चन में एच और आई में ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री है एट पॉइंट टू एट पॉइंट थ्री मैंने कंप्लीट आपको समझा दी है जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको करिए सॉल्व करिए ओके सो तो दिस इज़ कंप्लीट चैप्टर एट पॉइंट वन पहले हो गया था एट पॉइंट टू ये रहा इसको सॉल्व करिए अच्छे से ओके